सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि समाज के पवित्र त्योहार के रूप में देखता हूं। अगर तथ्यों पर आधारित इतिहास का आप अध्ययन करेंगे या उधर दृष्टि ले जाएंगे तो ये बात कही जा सकती है कि 3 लाख वर्ष पूर्व का जो संसार था वर्तमान का विश्व भी आज अगर सरवाइव कर रहा है, तरक्की के रास्ते तय कर सका है, तो उसमें प्रकृति और मनुष्य का मिला जुला सहयोग है और उसका एक संतुलित परिवार है और संतुलित परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। हमारे देश में प्राचीन काल में अगर आप देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस प्रकार बच्चों एवं माता पिता के संबंध थे उसी प्रकार परिवार के सदस्यों एवं जंगलों का भी संबंध है। जब बच्चा पैदा होता था तो एक समय था जब उसके संस्कार जंगल में ही होते थे, थोड़ा बड़ा होता था पढ़ाई के लिए भी उसे जंगल ही भेजा जाता था। इस तरह पूरे जीवन चक्र में कहीं न कहीं प्रकृति से उसका गहरा नाता बना रहता था। आज की तारीख में लेटेस्ट और सबसे बड़े आविष्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल चैट GPT से अगर आप पूछेंगे कि सृष्टि कैसे बनी तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है कि सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ। हजारों लाखों वर्ष पूर्व उपनिषद हमारे यही बात कहते हैं कि समूची सृष्टि पंच तत्वों का ही निर्माण है, संतुलन है। अगर उपनिषद की बात मैं करूं तैतरीय उपनिषद की तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से इंसान। ये जो क्रम रहा है मैं समझता हूं वैदिक काल से या उसके पूर्व से भी रहा है। जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं उसका पहला मंत्र जिन लोगों को ध्यान में होगा तो उस मंत्र में भी पंच तत्व एवं सृष्टि की चर्चा है और इस पवित्र ग्रंथ के औषधि सूत्र में लिखा है कि पेड़ पौधे जंगल दरअसल इंसान के लिए रक्षा कवच के समान है और हमें जीवन पर्यंत इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फॉरेस्ट के ऊपर होने वाले जो शोध है अध्ययन उसमें एक अनुमान लगाया गया कि सन 1600 के बाद कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हमारा संतुलन बिगड़ा और उसका व्यापक असर इंसान और जंगल के संबंधों पर पड़ा है। दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन में 2.5 बिलियन आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में जंगलों पर ही निर्भर है और पूरा वैश्विक समाज आज इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि समाज कैसे सुरक्षित रहे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि साल का जो थीम अभी मेरे पूर्व बताया गया फॉरेस्ट एंड हेल्थ वन और स्वास्थ्य रखा गया है ताकि नई पीढ़ी को भी स्मरण कराया जा सके कि हमारा स्वास्थ्य जंगलों की वजह से ही सुरक्षित हो सकता है और उन्हीं की वजह से हमें शुद्ध पानी, भोजन, हवा और जीवन रक्षक दवाएं मिल सकती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी इस कार्यक्रम के पहले धीरज गुप्ता जी, डॉक्टर गेरा और इन लोगों की टीम ने इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सस्टेनेबल उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मैं इसे जंगलों पर निर्भर आबादी के जीवन में आर्थिक रूप से होने वाले परिवर्तन से बढ़कर सामाजिक संबंधों के प्राचीन स्वरूप को पुनर्जीवित करने का अभियान मानता हूं। यह सच है कि आज तक प्रकृति ने जो भी पैदा किया उसमें एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसे हम बेकार कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं। प्रकृति कुछ भी फालतू निर्मित नहीं करती,
इंसान जो निर्मित करता है उसमें बहुत सारा वेस्ट या कचरा निकलता है और उसके डिस्पोजल के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा उत्पादित हर तत्व, चाहे उसे हम कचरा ही क्यों न समझे, उसे हम संशोधित करते हैं और वो हमारा पोषण करता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि यह फर्क इस बात को दर्शाता है कि इंसान और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं और अब उचित समय आ गया है कि हम अपने उन पुराने संबंधों को फिर से ताजा करें। मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो चर्चा हुई है और इस योजना को लागू करने के लिए जो नीति निर्देशक तत्व गाइडलाइन बनी है उसे धरातल पर उतारते हुए इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि जंगलों पर निर्भर आबादी को